भाई एक मिनट। सलाम अलैकुम। अस्सलाम। कौन हो तुम भाई? हाँ क्या? हाँ कौन हो? चलो खैर दफा करो, जो भी हो। अंदर कैसे घुसा है? गलती से आ गया सर, मुझे नहीं पता था इस डब्बे में बारात जा रही है। बारात ही है ना? अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा, बारात ही है। चलो उतरो। चलो कैसे उतरूं सर, गाड़ी सरपट भाग रही है। कहाँ जाना? कहाँ? कराची। 40 मिनट में अगला स्टेशन आएगा, शराफत से वहाँ उतर जाना। जाहिर है सर, वहाँ तो उतर ही जाऊँगा। ठीक है बैठ जाओ। कहाँ बैठूँ सर, कोई जगह होगी तो बैठूँगा ना। जगह नहीं है, ज़मीन पे बैग रखो और ऊपर बैठो। बैग में मिठाई है, बैठूँगा ना तो मिठाई हलवा बन जाएगी। ठीक है मैं खड़े ही ठीक हूँ। चलो ठीक है खड़े रहो। 40 मिनट बेटा अगला स्टेशन। हाँ और जितनी देर खड़े हो शराफत से खड़े होना है बेटा, तांक झांक नहीं करनी है। हाँ क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं हूँ मैं। सभी बच्चे ऐसा ही कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अंदर से सभी खबीस होते हैं। बहरहाल 40 मिनट खड़े रहो। ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ रही हूँ। नहीं मुझे नहीं भी। अब्बा फिर आप सो जाएं ऊपर जाके। हाँ अभी लेटता हूँ थोड़ी देर में, अभी नहीं, अभी हैं 20-25 मिनट, बैठ जाओ तुम। मियाँ रास्ते से तो हटो, हमें गुसल खाने में जाना है। जी माफ कीजिएगा, किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं लग रहा आपका। जी नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे घर से हूँ मैं। आपकी तमीज से तो पता नहीं चल रहा, आपको इतनी अक़ल होनी चाहिए कि यूँ गैर ख़वातीन के सर पे आके खड़े नहीं हो जाया करते। पलट के मुंह उस तरफ कीजिए और आपका स्टेशन आए तो उतर जाइएगा। बेहतर। बदतमीज। मैं भी अब लेटने जा रही हूँ। रास्ता दीजिए।
सुनो, उस लड़के से झूठ क्यों बोला तुमने? किस लड़के से? वही जो रोड़ी स्टेशन पर बोगी में घुसाया था। तो क्या सच बोल देती? बता देती कि हाँ मेरा ही नाम जुलेखा है। अब्बा से पूछो झूठ बोलने का कितना गुना होता है। अब्बा से पूछो कि राह चलते को नाम बताने की सजा कितनी है। खैर खैर क्या, इस तरह के कमीने रोज सड़कों पे मिलते हैं, नाम भी पूछते हैं, घर का पता भी। बता दिया करो। मैंने ये कब कहा कि बता दिया करो, वो तो बस तुमने झूठ बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कह देती कि नाम कुछ भी हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले। लेकिन खैर तुमने कह दिया जो तुम्हें कहना था। ये मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? अम्मा अब्बा की लड़ाई होने वाली है, जो जीतेगा उसे माले गनीमत में मैं मिलूंगी। सीधी बात करो। एक अनार दो बीमार। फिर वही बकवास। अब्बा इमरान मुगी से शादी कर रहे हैं मेरी, और अम्मी अली हमजा से। अरे वाह। इसीलिए सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूँ, वरना ये लोग तो मेरी शादी कर देंगे। तुम नहीं करना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, और इन दोनों से तो कभी भी नहीं। तो फिर तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? ठेंगा, मैं तो कहती हूँ इस बात पे शुक्र कर लो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, वरना यहाँ तो दूल्हे का नाम बताते हैं बस। तो फिर मैं टकरा जाऊंगी, देखना। क्या टकरा जाओगी? किससे? अब्बा से? मैं दीवार से टकरा जाऊंगी, सर फोल लूंगी अपना। ढाकिया है बाहर, आपके नाम की रजिस्ट्री आई है। मेरे नाम? जी। अरे हाँ, वो डिग्री आई होगी, मैं भी लेकर आती हूँ। जी लेखा नाम है ना आपको? जी। अरे तुम तो वही ट्रेन वाले हो, क्यों आए हो यहाँ? आपको बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है।